नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे रिया गार्डनिंग चैनल में। दोस्तों, बारिश के आने से ठीक दो दिन पहले ही मैंने अपने सारे गमलों की मिट्टी में अच्छी तरह गुड़ाई कर दी थी और जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी थी वो सारी निकाल दी थी। ड्रेनेज होल भी चेक कर लिए थे ताकि गमलों में पानी ज़्यादा देर तक टिका ना रहे। कटाई छटाई का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए अब मेरे पेड़ पौधे कितने अच्छे हो गए। बारिश के बाद तो इनका नया रंग ही देखने को मिल रहा है, बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं। तो देखिए ये कितनी सारी मिट्टी निकल गई है। कुछ तो गमले भरे हुए थे मिट्टी के, वो भी सारे मैं अब इसको अच्छी तरह धूप में सुखाऊंगी। और ये मेरी इतनी सारी मिट्टी हर एक गमले से निकाल दी है मैंने। मिट्टी से अगर गमले ज़्यादा भरे होते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा ठहरता है, जिससे जड़ें सड़ने का डर रहता है। तो गुड़ाई वगैरह कर देनी चाहिए और ड्रेनेज होल भी चेक कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, बारिश के आने के बाद मैंने ये पानी इकट्ठा कर लिया है, 10-20 लीटर, दो बाल्टियाँ मैंने भर के रख ली है। साफ पानी होता है, अगर हम साफ बर्तन में इकट्ठा करें ना तो ये साफ पानी होता है बारिश का, और ये हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए मैंने बोतलें भर के रख ली हैं, ये सारा बारिश का पानी है, देखिए कितना साफ है। और इसका मैं अब अपने पेड़ पौधों पे फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग करूँगी, इसका छिड़काव भी करूँगी और इसका ये पानी भी देती रहूँगी। मैंने ये काफ़ी सारी बोतलें इकट्ठी कर ली हैं।